तो दोस्तों ऑनर 9X और ऑनर 9X प्रो दोनों स्मार्टफोन की फुल स्पेसिफिकेशन टीना पे लिस्ट कर दी गई है और दोनों स्मार्टफोन आने वाला है बहुत ही बेहतरीन फीचर्स के साथ और दोनों स्मार्टफोन ट्रू किलर स्मार्टफोन होने वाला है रियलमी एक्स और रेडमी के K20 की। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में कन्फर्म स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूं और साथ ही मैं इन दोनों स्मार्टफोन को कंपेयर करूंगा एक दूसरे से और आपको बताऊंगा कि कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है आपके प्राइसिंग के हिसाब से आपके बजट के हिसाब से। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपना राय दे इस वीडियो के बारे में। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ऑनर 9X और ऑनर 9X प्रो दोनों स्मार्टफोन आने वाला है बहुत ही बेहतरीन फीचर्स के साथ और अगर दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले साइज की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है सिमिलर डिस्प्ले जो कि होने वाला है 6.59 इंच की एक IPS डिस्प्ले जो आने वाला है फुल HD+ की रेजोल्यूशन के साथ। और दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है कोई भी नॉच नहीं क्योंकि दोनों स्मार्टफोन आने वाला है फुल व्यू डिस्प्ले के साथ और दोनों स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है पॉपअप सेल्फी कैमरा जो कि होने वाला है 16 मेगापिक्सल्स का और दोनों स्मार्टफोन में आपको बहुत ही बेहतरीन सेल्फी देखने को मिल जाएगी क्योंकि दोस्तों ऑनर के स्मार्टफोन में आपको बहुत ही बेहतरीन कैमरा देखने को मिलता है। और अगर बात करें दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन की बैक साइड की तो दोस्तों दोनों स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला ग्लॉसी ग्रेडेड फिनिश जो कि आने वाला ग्लास बैक के साथ और दोनों स्मार्टफोन का जो डिजाइन होने वाला है काफी सिमिलर होने वाला है और दोनों स्मार्टफोन में आपको काफी बेहतरीन डिजाइन देखने को मिल जाएगी इस बार। अब बात करते हैं दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन की बैक साइड की कैमरे की तो जहां पर ओनर 9X आने वाला है डुअल रियर कैमरे के साथ जिसका प्राइमरी कैमरा होने वाला है 48 मेगापिक्सल्स का और उसके साथ ही दोस्तों 2 मेगापिक्सल्स का एक वाइड एंगल लेंस देखने को मिलेगा। बात करें 48 मेगापिक्सल्स की तो यहां पर इसका सेंसर होने वाला है सोनी के IMX582 का सेंसर जैसा कि रेडमी के K20 में देखने को मिला था। और अगर बात करें दोस्तों ओनर के 9X प्रो की तो यहां पर दोस्तों आपको ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिलने वाला है जो कि होने वाला है 48 मेगापिक्सल्स का सोनी के IMX586 का प्राइमरी कैमरा और उसके साथ ही दोस्तों 8 मेगापिक्सल्स का एक वाइड एंगल लेंस देखने को मिलने वाला है और उसके साथ ही दोस्तों 2 मेगापिक्सल्स का एक डेप्थ सेंसर भी देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों कैमरा के मामले में अगर देखा जाए तो ओनर 9X प्रो यहां पर अच्छा है क्योंकि यहां पर आपको एक वाइड एंगल लेंस देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन की प्रोसेसर की तो यहां पर दोनों स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाएगा किरिन 810 का प्रोसेसर जो कि ओनर का खुद का प्रोसेसर है और दोस्तों ये दोनों स्मार्टफोन में जो प्रोसेसर होने वाला है वो स्नैपड्रैगन के 730 से भी बेहतरीन होने वाला है क्योंकि इसका जो स्कोर निकल के सामने आया है वो स्नैपड्रैगन के 730 से भी ज्यादा है। तो दोस्तों दोनों स्मार्टफोन का जो परफॉर्मेंस होने वाला है वो रेडमी के K20 से भी अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि दोनों स्मार्टफोन कितना अच्छा परफॉर्म करेगी। तो दोस्तों अगर आप एक गेम सेंटर के स्मार्टफोन परचेस करने की सोच रहे थे अच्छा पबजी गेम खेलने के लिए तो दोस्तों आप इस स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों फाइनली बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की बैटरी की तो दोस्तों दोनों स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाएगी 3900mAh की बैटरी जो कि आने वाला है फास्ट चार्ज के सपोर्ट के साथ और ओनर 9X में आपको देखने को मिल जाएगा 10W का एक फास्ट चार्जर और वहीं दोस्तों ओनर 9X प्रो में आपको देखने को मिल जाएगा 22.5W का एक फास्ट चार्जर जो कि आपके फोन को चार्ज कर देगी 50% 30 मिनट के अंदर ही। बात करते हैं दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन की अब रैम स्टोरेज वेरिएंट की तो दोस्तों ओनर 9X आने वाला है 3 स्टोरेज वेरिएंट के साथ जिसका प्राइमरी स्टोरेज वेरिएंट होने वाला है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज। और अगर वही बात करें दोस्तों ओनर 9X प्रो की दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलने वाला है 2 ही स्टोरेज वेरिएंट जो कि होने वाला है 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज और 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज। और दोनों स्मार्टफोन की अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो ओनर 9X की जो बेस वेरिएंट होने वाला है वो होने वाला है 15,000 रुपीज़ के करीबन और इसका हायर वर्जन आपको देखने को मिल जाएगा 18,000 रुपीज़ के करीबन। और वहीं बात करें ओनर 9X प्रो की तो दोस्तों इस स्मार्टफोन का जो बेस वेरिएंट होने वाला है वो होने वाला है 18,000 से 19,000 रुपीज़ के करीबन और अगर इसका हायर वर्जन की बात की जाए तो दोस्तों इस स्मार्टफोन का हायर वर्जन देखने को मिलने वाला है आपको 23,000 से 25,000 रुपीज़ के करीबन। तो दोस्तों दोनों स्मार्टफोन बहुत ही अच्छे स्पेक्स के साथ आते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से कम्पीट करेंगे रियलमी एक्स रेडमी के K20 और K20 प्रो को। तो दोस्तों आप दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन परचेस करने वाले हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब फाइनली बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन की लॉन्चिंग इवेंट की तो दोस्तों चाइना में 23 जुलाई को दोनों स्मार्टफोन को लॉन्च किया जाएगा और उसके तुरंत बाद इंडिया में इस स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया जाएगा यानी दोस्तों इस स्मार्टफोन की लॉन्चिंग जो है वो अगस्त के फर्स्ट वीक तक देखने को मिल सकती है इंडिया में और दोनों स्मार्टफोन आने वाला है बहुत ही जल्दी ही। तो आप दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन परचेस करेंगे आप हमें कमेंट करके बताएं। और आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करके हमें बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को भी दबा दें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए कीप स्माइल एंड हैव अ ग्रेट डे। I should fuck her in the best. Yeah. Make you say they want.
सेवन।